Hey guys, welcome to JT Vlog. तो आज है day 47 और अभी हम हैं पालमपुर हिमाचल प्रदेश में और आज का हमारा प्लान होने वाला है पालमपुर घूमने का। एंड रात को बारिश हो रही थी, अभी बाहर जाके देखते हैं कि बारिश हो रही है या नहीं और कितनी बारिश हो रही है, अगर हो भी रही है तो। सो पालमपुर में मैंने तीन जगह ढूंढी है भाई घूमने वाली। एक है सौरभ वन विहार और एक यहाँ पे ब्रिज है जहाँ पे शेर शाह मूवी की शूटिंग हुई थी और यहाँ की एक है टी जो गार्डन्स हैं वहाँ पे घूमने जाएंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। ये देखो भाई, अभी घूमने निकलने वाले थे और भगवान जी बरस गए, बारिश फिर से होने लग गई है। रात को भी हो रही थी, पूरा प्लान चौपट। अभी देखते हैं, जितने डागर रुक जाएगी जल्दी तो निकलेंगे, नहीं तो फिर आज का दिन भाई गुरुद्वारा साहब में गुजारना पड़ेगा और यहीं बैठना पड़ेगा। यार ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही भाई। मतलब ऊपर देखो, बादल देखो आप, पूरा पालमपुर भाई इस टाइम बादल से ढका हुआ है और इस तरफ फिर से बारिश ज़्यादा शुरू होने वाली है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा कड़क रहे हैं। मैं पूरा तैयार शार होकर खड़ा हूँ, आपको दिखाता हूँ, रुको। मैं पूरा तैयार होकर खड़ा हूँ, बैग वैग डाल के पूरा रेडी, अपने ट्राइपॉड के साथ सब कुछ रेडी है और निकलने के लिए पूरा तैयार था भाई। मेरे को लगा बाहर से आवाज़ नहीं आ रही थी रूम के बाहर से, तो मैंने कहा चलो यार अभी बारिश बंद हो गई होगी, तैयार व्यार होकर पूरा बाहर निकल गया, मुँह धोया। क्या ही सीन है भाई इसका, पता नहीं कब रुकेगी। आज पालमपुर घूम पाऊंगा नहीं, अगर आज नहीं घूम पाऊंगा भाई कल मैं सीधा सीधा निकल जाऊंगा धर्मशाला, क्योंकि मैं इतने दिन पालमपुर में नहीं रुक सकता। आपको सीधे सीधे बस यहाँ की, अगर मैं आज नहीं जा पाऊंगा तो यहाँ की चीज़ें मैं आपको वैसे ही दिखा दूंगा वीडियो में, और क्या ही कर सकते हैं, पालमपुर आपको घुमा तो सकते नहीं भाई इतनी बारिश में। अब बारिश देखो, बादल देखो, कितने घने बादल हो रखे हैं और बारिश अभी भी हो रही है। सो गाइस, शायद हमें आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि जो टाइम है वो हो चुका है, 3 बज चुके हैं और यहाँ पे आप अंधेरा देखो कितना हो रखा है, पूरा बादल से ढका हुआ है इस टाइम पे, हर जगह बारिश 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 और पानी 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 पानी। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। पानी अंकल जी पानी पिला दीजिए, लड़के को यहाँ भेजो भाई, पानी पानी जितना मर्जी पानी पी ले वो। सो गाइस अभी हम नीचे आए हैं और अब बारिश तो अभी भी हो रही है, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं रुक रही। छतरी लेके साथ में आ गए हैं और अभी बाहर चलते हैं और कुछ खा पी के आते हैं, भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है। लेट्स गो, और थोड़ा घूम के भी आएंगे, इसी बहाने अंदर बैठे बैठे बोर हो गए हैं, लेट्स गो चलते हैं। कुछ ऐसा व्यू है मार्केट का बारिश में और काम सारे के सारे अभी भी चालू हैं, दुकानें सारी की सारी खुली हैं और सुबह से बारिश हो रही है भाई देखो। तो भाई खाना हो गया, अभी चाय पी रहे हैं, चाय में पानी की बूंद चली गई बारिश की और हम देखो कैसे खड़े होके पी रहे हैं, छाता लटका के रखा है भाई। सो गाइस अभी हम बाहर से वापस आ चुके हैं और खाना वाना खा के आए हैं, भटूरे खा के आए हैं भाई, बहुत ही अच्छे थे, मस्त थे और मैंने जानबूझ के छोले 2-3 बार डलवा लिए कि भाई भूख जो थोड़ी जल्दी मिट जाए और कम पैसों में मिट जाए। तो चाय पी ली उसके बाद और डिनर के लिए भाई मैं डिनर के लिए तो नहीं, वैसे मैं सोच रहा था कि यार थोड़ा हेल्दी खाना खा लेता हूँ, तो मैंने सेब लिए हैं और ठीक है साइज छोटा है, बट मैंने उनको बोला कि भाई कितने का है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार 100 रुपये का 2.5 किलो। तो मैं कहा भाई मेरे को तो 0.5 किलो चाहिए, तो कहते यार 50 का ले लो हमें भी कुछ बच जाएगा, तो मैं कहा ठीक है भाई 50 का डाल दो। मुझे नहीं पता था भाई कि 50 के इतने आ जाएंगे और चलो आज का डिनर इसी में से हो जाएगा। इतने सेब खा लूँगा, इतने सेब खा लूँगा किसी ने सोची ना होगी। सारा भाई जेटी व्लॉग्स। तो अभी रात को भाई डिनर का इंतज़ाम हो गया, सेब ही खाएंगे, बाहर जाना ही नहीं, अब बारिश बहुत तेज़ है, गेड़ा मारने जाएंगे, शाम को देखेंगे अगर दिल किया तो भाई, क्योंकि अंदर बैठे बैठे बंदा भी बोर हो जाता है। वन एप्पल अ डे मेक्स अ डॉक्टर अवे। सो भाई हमने तो कम से कम मेरे हिसाब से 20-30 एप्पल ले लिए, तो महीना डॉक्टर थोड़ा दूर ही रहेगा। तो लेट्स गो, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ एडिटिंग वगैरह करते हैं, कुछ रील्स वगैरह बनाते हैं। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके सर्च करो, जेठी व्लॉग सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, Rajat_Jethi सर्च करोगे तो भी आ जाएगा भाई, जाके जल्दी से फॉलो कर लो, अच्छी अच्छी रील्स आती है वहाँ पे और डेली अपडेट्स वहाँ पे करते रहते हैं, जो अगले दिन होने वाला होता है, जो अगले दिन यूट्यूब पे आता है वो एक दिन पहले इंस्टाग्राम पे हम डाल देते हैं कि भाई कहाँ जाने वाले हैं। सो लेट्स गो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। सो गाइस अभी शाम के 5:45 बज चुके हैं और अभी जाके बारिश रुकी है, ये देखिए आप, अभी भी मतलब किनमिन है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पर रुक गई है, बट अभी क्या फ़ायदा, 5:45 हो गए हैं तो अभी निकलेंगे भी तो कहीं पहुंचते ही 7 बज जाएंगे आसपास भी अगर जाएंगे तो
तो इससे अच्छा है कि भाई अब अंदर ही बैठते हैं, कल सीधा निकलेंगे धर्मशाला की तरफ। सो गाइस अभी हम बाहर आए थे खाना वाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत लाइट ही खा लिया है और अभी वापस जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब में। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक था और आई होप कि आपको आज का व्लॉग ठीक ठाक लगा ही होगा, थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं भी लगा तो थोड़ा भाई सपोर्ट दिखाओ। और आज का दिन थोड़ा सा बोरिंग हो गया आई नो, थोड़ा सा छोटा व्लॉग भी है और आपको पता है रीज़न, बारिश, सुबह से लेकर शाम तक बारिश और बाहर निकल ही नहीं पाए यहाँ से। अगर निकल पाते तो आपको पालमपुर पूरा दिखाते। अभी हम आपको पालमपुर में जो जगह है तीन घूमने वाली वो दिखा देते हैं और उसकी फ़ोटोज़ जो है वो यहाँ पे दिखा देते हैं कि कौन कौन सी जगह है और उसका क्या क्या इतिहास है। भाई एक सौरभ वन विहार है, बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, वहाँ पे झूले भी हैं, बहुत कुछ है वहाँ पे घूमने के लिए, जंगल जैसा पार्क जैसा एक बना हुआ है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। शेरशाह में जो सीन था, जो उस पुल पे उस ब्रिज पे शूट हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला वो सीन था जो कि वहाँ पे शूट हुआ था। और उसके बाद जो हमारा सीन था जाने का वो था यहाँ की टी गार्डन्स। टी गार्डन्स जो यहाँ पे मतलब बड़े बड़े जो टी जो है वो चाय पत्तियाँ जो हैं वो यहाँ पे पत्तियाँ यहाँ पे उगाई जाती हैं और उससे चाय वगैरह पत्ती वगैरह बनाई जाती है। आई डोंट नो द प्रोसेस की प्रोसेस क्या होता है। सो ये हमारा प्लान था बट सारा का सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया है और कल हम सीधा निकलेंगे धर्मशाला की तरफ, क्योंकि अगर मैं कल यहाँ पे घूमूंगा तो भाई फिर से एक दिन जाएगा अलग से पालमपुर के लिए, तो इतने दिन हम नहीं निकालने वाले हैं क्योंकि अपने पास टाइम जो है वो ठीक ठाक है। माना कि एक डेढ़ साल है बट भाई पूरा इंडिया घूमना है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो चार स्टेट, चौथी स्टेट में आए हम। और सो आई होप कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करने के लिए भाई लाइक कर दो इस वीडियो को, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सबको दिखाओ यार कि इंडिया कैसा है, इंडिया कितना सुंदर है और एक बंदा है जो पूरा इंडिया घूम रहा है बिना पैसों के। सो चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।